अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त रोमानिया के कैपिटल बुकारेस्ट में हूँ और ये ओल्ड टाउन का एरिया है। टिपिकली जैसे कि यूरोपियन जो कैपिटल होते हैं उसके अंदर एक ओल्ड टाउन का एरिया होता है जो कि आप हिस्ट्री से रिलेट करता है, और इसमें एक हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन टिपिकली। तो इट्स अ वेरी क्यूट प्लेस। नाज़रीन, कॉफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आई एम गोइंग टू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी हियर फॉर ले आलमोस्ट $1। मैं वैसे कॉफ़ी नहीं पीता, लेकिन यहाँ पे वेदर की वजह से आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी कॉफ़ी पीऊँ। मैं असल में टाइप टी का बहुत फ़ैन हूँ, टर्किश टी। ज़बरदस्त। बेसिकली रोमानिया एक अंडर डिवेल्प्ड कंट्री है स्टिल, और अभी ये डिवेल्पिंग प्रोसेस में है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में आने के बाद इन लोगों ने काफ़ी एक एफर्ट और कोशिश शुरू की है, जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ की लाइफ और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो बेसिकली रोमानिया और बल्गेरिया जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और आप अगर यहाँ पे आएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कम्युनिटी है, उसे रोमा कम्युनिटी कहते हैं, रोमा कहते हैं या जिप्सी आप कह लें। तो ये इस कंट्री के अंदर रोमानिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जिप्सी मौजूद हैं, और जिनके रूट्स कहा जाता है कि ये एरिया से या पाकिस्तान के एरियों से या अफगानिस्तान के एरियों से ये लोग 700-800 साल पहले यहाँ पे मूव हुए, और अभी तक इनकी बहुत सारी आदात और इनमें बहुत सारे वर्ड जो यूज़ करते हैं तो उसमें इंडियन जो लैंग्वेज है उससे बहुत सिमिलरिटी होती है।